प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग 2015 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे बिहार बोर्ड का। इस साल 2015 में टोटल 28 क्वेश्चन पूछे गए थे और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, तो एक एक करके हम लोग चेक करते हैं हर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर वन है, व्हेन ऑफ स्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाई सिंगल पेरेंट देन इट इज कॉल्ड एज। मतलब ये हुआ कि अगर सिंगल पेरेंट से, एक ही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग अगर उत्पन्न होता है तो इसको क्या कहते हैं। सिंपल सी बात है, इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए वीडियो ये बनाया जा रहा है, तो थोड़ा सा इंग्लिश वाले कॉम्प्रोमाइज करेंगे। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि मैं हिंदी में अनुवाद करूंगा, और हिंदी वाले इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में लिखे गए हैं, तो आप क्या करेंगे कि ध्यान से सुनेंगे, मैं इसका हिंदी अनुवाद बोलते रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, रिप्रोडक्शन बाई बर्डिंग अकर्स इन, बर्डिंग के द्वारा किसमें प्रजनन या रिप्रोडक्शन होता है। तो बर्डिंग के द्वारा हम लोगों ने दो एग्जाम्पल पढ़ा था, ईस्ट पढ़ा था और हाइड्रा पढ़ा था। यहाँ पे देखो तो ईस्ट दिया है पेनिसिलियम, पैरामीशियम और ऑल ऑफ दिस, तो यहाँ पर आंसर होगा ईस्ट। क्वेश्चन नंबर तीन देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमेट। ह्यूमन गैमेट में कितने क्रोमोजोम होते हैं, तो सबसे पहले तो याद करो कि ह्यूमन गैमेट जो होते हैं वो हैप्लोइड सेल होते हैं। ठीक है ना, हैप्लोइड का मतलब एन होते हैं। यहाँ पर देखो, हमारे में 2n में 46 क्रोमोजोम, n में 23 क्रोमोजोम, तो ह्यूमन गैमेट में 23 क्रोमोजोम्स होते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग पेज पर आ रहे हैं। यहाँ देखो बाबू, ठीक, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर फोर है, ओवीपेरस आर, ओवीपेरस क्या होता है। ओवीपेरस मतलब अंड प्रजा, मतलब जो अंडा देने वाले, एक देने वाले जो एनिमल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना है कि हेन बर्ड हो गया, स्नेक एंड क्रोकोडाइल, ये दोनों रेप्टाइल्स हैं। तो सब के सब बर्ड्स और रेप्टाइल्स क्या होते हैं, ओवीपेरस होते हैं। आंसर लगाना ऑल ऑफ दीज, सबके सब। डिप्लोइड इज, अभी देखो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, पूछ रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर डिप्लोइड होता है। ओवम, पॉलन। ओवम क्या है, ओवम फीमेल गैमेट है, हैप्लोइड होगा। पॉलन मेल गैमेट है, मेल गैमेटोफाइट कहेंगे इसको हम लोग, हैप्लोइड होगा। तो ये अभी दोनों तो क्रॉस हो गया, नहीं होगा तो होगा क्या, जाइगोट। जाइगोट जो है वो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से, मतलब संलयन से बनता है, इसलिए हम लोग इसको डिप्लोइड के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिल इज एडिबल, एडिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स। किस फ्रूट का एडिल, सॉरी एरिल एडिबल होता है, एरिल खाया जाता है। तो ध्यान रखना है कि लीची का एरिल खाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कहना है कि लीची के साथ कुछ और भी दिए हुए हैं, एनोना, एनोना जो है ना शरीफा जैसा, उसका भी एरिल ही खाया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दिस, ध्यान रखना। सोर्स ऑफ इको आर्वन एंजाइम इज, इको आर्वन एंजाइम का क्या स्रोत होता है, क्या स्रोत होता है। तो इको आर्वन एंजाइम इकोलाई बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, ये सब कुछ आपके नोट से ही है। इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन इज, SO2 जब का जब प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन होता है एटमोस्फियर में, तो लाइकेन सबसे पहले गायब होते हैं, तो इंडिकेटर कौन हो जाएंगे, लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टी लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम, टी लिम्फोसाइट्स कहां से ओरिजिनेट होते हैं। टी लिम्फोसाइट थाइमस से ओरिजिनेट होते हैं, बी लिम्फोसाइट बोन मैरो, टी लिम्फोसाइट थाइमस। नेक्स्ट देखना, हनी इज मेड बाय, मेल हनी बी, क्वीन बी, वर्कर हनी बी, ए एंड बी। वर्कर हनी बी जो होते हैं ना कार्यकर्ता मधुमक्खी, वही हनी बी बनाते हैं, तो आंसर होगा हमारा वर्कर हनी बी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सीमेन इज फ्रोजन इन, क्वेश्चन नंबर 11 पे देखना, सीमेन इज फ्रोजन इन, सीमेन मतलब मेल गैमेट जो कॉन्टेंट करने वाला फ्लूड है, उसको कहां पर रखा जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन, रेफ्रिजरेटर, आइस और ऑब्जिक। ये तो क्वेश्चन आते हैं आपके माइंड में, आंसर जंप लगाता होगा, कूदता होगा, लिक्विड नाइट्रोजन, याद रखना क्रायो प्रिजर्वेशन, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम लोग
लिक्विड नाइट्रोजन में सीमेन को प्रिजर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच डिजीज इज फाउंड इन हेन। हेन में कौन सा डिजीज होता है? हेन का बताया था, सबसे पॉपुलर डिजीज होता है रानीखेत, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग तेजी से, टोटल 28 क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, विच डिजीज इज फाउंड इन, अच्छा ये तो हो ही गया था, ये तो हो गया था, रिपीट हो रहा है बाबू। 13 देखो, फ्यूजोजेन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर इज, फ्यूजोजेन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर इज, फ्यूजोजेन का मतलब होता है ना ऐसा केमिकल जिसका यूज हम लोग प्रोटोप्लास्ट कल्चर में किसके लिए करते हैं, टू सेल्स को फ्यूज कराने के लिए करते हैं। तो फ्यूजोजेन यहां पर पेग होगा, याद करके रख लेना है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर में फ्यूजन पेग होता है। ऑनकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑनकोलॉजी किसका स्टडी है, ऑनकोलॉजी कैंसर का स्टडी है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, द फ्लावर ऑफ इडली एंड डोसा इज मेड बाय द यूज ऑफ विच माइक्रोब, किस सूक्ष्म जीव का, किस माइक्रोब का यूज करके हम लोग इडली और डोसा का फ्लावर आटा तैयार करते हैं, तो बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, वायरस, ईस्ट। अब एक बात समझना है यहाँ पर कि कई सारे सोर्सेस में, कई सारे बुक में ईस्ट ऑप्शन देता है, ऑप्शन डी यहाँ पर देता है ईस्ट, लेकिन क्या है ना कि हम लोग अगर देखें तो ल्यूकोनोस्टॉक का यूज इडली डोसा में किया जाता है और ल्यूकोनोस्टॉक बैक्टीरिया होता है, तो इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार आंसर होना चाहिए ए, ठीक है। चलो अब आते हैं 16, टीआई प्लाज्मिड इज फाउंडेड, टीआई प्लाज्मिड कहां से प्राप्त किया जाता है, कहां मिलता है, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, क्लियर कट आंसर है इसका ए, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। नेक्स्ट देखो, ठंडा बहुत है ना तो गला फंस रहा है मेरा। चलो देखो, एगारोज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एगारोज को कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहां से निकालते हैं, एगारोज पढ़ा कहां था, एगारोज आपने पढ़ा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, याद कर लीजिए, डीएनए को उनके साइज के हिसाब से, साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट करने का एक मेथड है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, याद है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वहीं पर हम लोगों ने एगारोज जेल पढ़ा था और एगारोज जेल को हम लोग प्राप्त करते हैं सी वीड से, समुद्री घास से। नेक्स्ट देखो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर गोनोरिया, ध्यान रखना है, डिजीज होगा नहीं, टीबी होगा नहीं, गोनोरिया, आंसर होगा गोनोरिया, एक तो लिस्ट ही दिया था आपको। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी कोडोन्स आर प्रेजेंट इन इनहेरिटेंस कोडोन, कोडोन का नंबर पूछ रहा है कि कितना कोडोन होता है, तो टोटल नंबर ऑफ कोडोन कितने होते हैं बताओ, 64 होते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस कैन नॉट रिकॉग्नाइज, कोई आदमी अगर कलर ब्लाइंडनेस से अगर सफर कर रहा है, पीड़ित है वर्णांधता से, तो किस किस अंतर कलर के बीच में, किस किस रंग के बीच में अंतर नहीं कर पाएगा, तो सीधा सीधा रेड एंड ग्रीन कलर के बीच में अंतर नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेरॉन मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, कितना इजी क्वेश्चन है ये, ओपेरॉन मॉडल कौन दिया था, जैकब एंड मोनैड, ऑप्शन भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। चलो हम लोग नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, यहां देखना, ये फाइनल पेज हो जाएगा हमारा। चलो, एकिडना इज कनेक्टिंग लिंक, एकिडना क्या है, कनेक्टिंग लिंक, वेस्टिजियल ऑर्गन, एक्सटिंक्ट लिंक, नन ऑफ दिस, हम लोगों ने कनेक्टिंग लिंक पढ़ा है ना, देखो हमारे ऊपर मेंशन नहीं है, एकिडना क्या है ना, रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक है, तो इसको बस याद करके तुमको रखना है, एकिडना क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, संयोजक कड़ी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंसेक्टिवोरस प्लांट, कहता है कि कौन सा इंसेक्टिवोरस प्लांट है, मतलब इंसेक्ट को, कीट को खाने वाला कौन सा प्लांट है, इंसेक्ट को खाने वाला कौन सा प्लांट है, ड्रोसेरा, निपेंथस, ए एंड बी, हाइड्रिला, हाइड्रिला तो वाटर वाला प्लांट है ना, ये तो होगा नहीं, ड्रोसेरा और निपेंथस, ये दोनों के दोनों क्या है, इंसेक्टिवोरस मतलब कीट को खाने वाले प्लांट है, तो आंसर लगाना है सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेशन ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस इज डन बाय, स्पर्माटोजेनेसिस क्या है, तो मेल गैमेट के निर्माण की प्रक्रिया है, ठीक है,
इसको कौन रेगुलेट करता है, कौन सा हार्मोन? तो इसको हम रेगुलेट करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 25। इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप AB, AB ब्लड ग्रुप वाला जो भी लोग है तो उसे पूछ रहा है कि एंटीबॉडी के साथ क्या कंडीशन होगा। AB ब्लड ग्रुप का मतलब हुआ कि इनमें A एंटीजन भी मिलेगा एंड B एंटीजन भी मिलेगा, तो ये तय है कि इनमें एंटीबॉडीज जो है A और B नहीं मिलेंगे। तो एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट ऑप्शन A है, एंटीबॉडीज आर एब्सेंट एंटीबॉडी A इज प्रेजेंट एंटीबॉडी B इज प्रेजेंट, सीधा बोलेंगे एंटीबॉडीज आर एब्सेंट, एंटीबॉडीज आर एब्सेंट। चलो 26। विच विटामिन इज प्रेजेंट इन गोल्डन राइस? बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। विच विटामिन इज प्रेजेंट इन गोल्डन राइस? गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए। ठीक है, चलो इसके बाद से सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन। मेंडल प्रपोज्ड लॉ ऑफ लिंकेज, 10% एनर्जी लॉ, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, नॉन ऑफ दिस। मेंडल साहब का लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वंशानुगति का नियम, याद है ना? तीन नियम मेंडल ने दिए थे तो उसको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। कौन कौन से लॉज हैं याद है आपको? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये थ्री लॉज जो है वो तीन लॉ मेंडल ने दिया था। और लास्ट क्वेश्चन इस साल का था 2015 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल? सॉइल को, मृदा को इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए कौन सा सहायक होता है? इंसेक्टिसाइड्स। अब बताओ तो इंसेक्टिसाइड्स का मतलब होता है कीट मारने वाला केमिकल, इसको डालेंगे तो ये सॉइल के लिए क्या हो जाएगा? हेल्पफुल हो जाएगा। ये तो ऐसे ही एरर है, ईस्ट होगा नहीं, इडली डोसा ब्रेड, इडली डोसा मत बोलो फिर कंफ्यूजन होगा, ब्रेड, अल्कोहल बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। बायो फर्टिलाइजर का यूज हम लोग सॉइल इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं। ठीक है ना, चलिए आपके 28 क्वेश्चंस 2015 पूछे गए उनके आंसर्स हैं, हम लोग 2016 का फिर सेट आपके लिए कवर करेंगे। गुड लक बाबू।